आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का कार्यक्रम सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देश को करेंगे संबोधित। आबकारी घोटाला मामले में आज सीबीआई के सामने पेश होंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई करेगी पूछताछ। उत्तर प्रदेश में 9000 से ज्यादा युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी देंगे सरकारी नौकरी की सौगात। पुलिस, पीएससी और फायर सर्विस में भर्ती उम्मीदवारों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के महासचिवों की आज दिल्ली में बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संगठन के कार्यक्रमों की समीक्षा और G20 कार्यक्रमों की तैयारी पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। एक कार्यक्रम में साधा नीतीश कुमार पर निशाना। अमित शाह बोले, पीएम बनने के लालच में सोनिया और लालू से मिल गए नीतीश। नीतीश बाबू केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने के लोभ में सोनिया जी की शरण में जाकर बैठे। कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक हंगामे के लिए गुरु ग्रंथ साहिब का सहारा लेने से नाराज है सिख नेता। इमरान खान पर फिर से लटकी गिरफ्तारी की तलवार। जांच एजेंसी ने अग्रिम जमानत की शर्तों के उल्लंघन का लगाया आरोप। कोर्ट ने इमरान को 28 फरवरी को पेश होने का दिया आदेश। महायुद्ध के बीच रूस को लेकर बड़ा दावा। रूस के पास ईरानी ड्रोन खत्म होने का ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने किया दावा। 15 फरवरी के बाद महायुद्ध में ईरानी ड्रोन इस्तेमाल नहीं होने की खबर। और न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। सबसे पहले बात महायुद्ध की, जिसे एक साल का वक्त पूरा हो गया है। और आपको बता दें कि इस एक साल में यूक्रेन में तबाही की अनगिनत तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। और ऐसे में पुतिन को लेकर अलग अलग दावे देखे गए सुने गए हैं, लेकिन इस साल गुजर जाने के बाद भी इस युद्ध का भविष्य आखिर किसी की नजर में अब तक साफ नहीं हो पाया है। ज़ेलेंस्की एक तरफ झुकने को तैयार नहीं है और पुतिन अब रुकने को तैयार नहीं है। महायुद्ध के एक साल पूरा होने पर न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है सीधे यूक्रेन से।